संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समझ या सोच? सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वो वस्तु, वो घटनाएं, वो भाव श्रेष्ठ हैं जो हमें आनंद दे, और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम दुखदायी मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और सोच को यदि एक भिन्न कोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती हैं। जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाती नहीं, परंतु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्पित करती है और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती है, उसी प्रकार भीषण परिश्रम के पश्चात हमें सफलता मिलती है, भीषण परीक्षा के पश्चात हमें हमारा लक्ष्य मिलता है। तो सदा स्मरण रखिएगा कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं, क्योंकि यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल है। एक पति के जीवित होते हुए भी तीन तीन तथा कथित देवताओं के साथ संबंध बनाया आपने। बस करो, ये मेरी माता है। ये भले ही पांडवों की जन्म माता है, परंतु ये तुम्हारी मां समान है। ये मेरी मां समान है। माता शत्रु की हो या मित्र की, कौरवों की हो या पांडवों की, माता सम्मान की अधिकारिणी होती हैं। हस्तिनापुर की कुलवधू के अपमान के कारण आज ये युद्ध हमारे सामने खड़ा है, और आज तुम हस्तिनापुर की राजमाता का भी अपमान करोगे। मैं बताता हूं कि हमारे मध्य क्या बात हुई थी। माता कुंती मेरे पास आई थी अर्जुन की सुरक्षा का वचन मांगने, और तुमने उसे स्वीकार कर लिया। ये स्वयं तुम उन्हीं से पूछ लो। बताइए राजमाता, मेरा क्या उत्तर था? करने का युद्ध के अंत तक या अर्जुन जीवित रहेगा या फिर वो। उसने ये भी कहा कि वो अपने मित्र से वो नहीं मोड़ सकता। परंतु ये कर बस। और कुछ मत कहिएगा मां मछली, कुछ मत कहिएगा। क्षमा क्षमा कर दीजिए राजमाता, अपने अपशब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्रोधवश मैं स्वयं से नियंत्रण खो बैठा था। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। अब
अब आज्ञा दीजिए युवराज, अब जब भी आपका आदेश आएगा तो आपका ये सेवक अपने प्राण थाली में सजाकर आपको अर्पित करने के लिए सामने आ जाएगा। बस एक निवेदन है कि फिर से मुझे निष्ठाहीन कायर और द्रोही मत कहिएगा। आज मैं आपको एक वचन देता हूं युवराज, इस युद्ध के केवल दो परिणाम आएंगे। पहला, इस युद्ध के पश्चात आपके शीश पर राज मुकुट होगा, या दूसरा, इस कर्ण के धड़ पर शीश ही नहीं होगा। आज्ञा दीजिए। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। मैं उस छलिए के माया से भ्रमित हो गया था मित्र, मैं भी धो गया था, स्वयं पर से विश्वास खो बैठा था, और तुमसे भी। मुझे लगा कि कहीं वो छलिया मुझसे मेरा मित्र छीन न ले। मुझे मुझे क्षमा कर दो मित्र। बस मित्र, बस। मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसा नहीं होगा मित्र। तुमसे तुम्हारा मित्र मृत्यु अवश्य छीन सकती है, परंतु तुम्हारी मेरी मित्रता कोई नहीं छीन पाएगा। जीवन भर का आश्वासन मिल गया है ममश्री। अब कभी मेरे मन में मेरे मित्र के विरोध में विष भरने का प्रयास मत करना। मेरा मित्र मेरे साथ है। माता शत्रु की हो या मित्र की, माता सम्मान की अधिकारिणी होती है। ये भले ही पांडवों की जन्म माता है, परंतु ये तुम्हारी माँ समान है, ये मेरी माँ समान है। ऐसा कि क्यों नहीं सत्य बताया दुर्योधन को? माता अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि एक पुत्र भी अपना धर्म भूल जाए। पुत्र होने के नाते माता के सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म था। यदि सत्य सबके समक्ष आ जाता, यदि मैं आपको सत्य कहने से नहीं रोकता,
केवल आप इस राज परिवार में अपना सम्मान नहीं खोते, अभी तुम्हें भी स्वयं अपनी ही दृष्टि में गिर जाता। मानता हूं कि मैं आपसे शुद्ध हूं, परंतु आप ही का पुत्र हूं ना, कर्मबद्ध हूं पर धर्मबद्ध भी हूं। कहां से लाए उतना साहस, कैसे अर्जित किया इतनी पीड़ा सहने का सामर्थ्य, कैसे आई उदारता तुम्हारे हृदय में? तुम्हारा हृदय तो कमार से भी विशाल है, कर कौन हो तुम? कर जन्म से सूर्य पुत्र कौन्तेय, परंतु कर्म से एक सूत पुत्र राधे कर्ण। अंगराज, मैं कुंती से एकांत में बात करना चाहता हूं। अवश्य। दाजरी, क्षमा चाहती हूँ। तुम क्यों क्षमा मांग रही हो पुत्री? क्षमा का पात्र तो मैं स्वयं हूं। मैं एक मां से क्षमा मांगने आया हूं जिसके पुत्र एक महायुद्ध में फंस गए हैं, जिसकी उत्तरदायी तुम नहीं, मैं ही क्या? समस्त महारथी आचार्य हम सभी, हम इस युद्ध को रोकने में सक्षम थे परंतु रोक नहीं पाए। इस बात से मन संतुष्ट है कि तुम्हारे सभी पुत्र धर्म के पक्ष में हैं। यदि उनमें से कोई एक भी मेरे पक्ष में होता तो मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। माँ प्रेम करती है और पिता न्याय करते हैं। आप तो पिता माँ है ताज, मेरे पुत्र अपना न्याय मांगने आ रहे हैं और मुझे विश्वास है जो न्याय संगत होगा पिता माँ वही करेंगे। We'll be right back.
माता, क्या आज मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ पुत्र, अवश्य। जिस युद्ध में मैं आज जा रहा हूँ माता, वहां या तो मैं विजयी होके लौटूंगा और या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। जीवित वापस आने की और वीर गति को पाने की संभावनाएं समान है माता। यदि जीवित वापस आया तो कोई बात नहीं, परंतु वीर गति पाई तो सदा एक घाव मन में रह जाएगा माता, घाव की मेरी माता ने कभी मुझे देखा ही नहीं। मृत्यु के पश्चात भी उन्हें मेरा मुख स्मरण ही नहीं होगा माता। बस एक विनती है, युद्ध से पूर्व एक बार, बस एक बार मुझे अपनी अपनी दृष्टि से देख लीजिए माता। बस एक बार अपनी माता की ममता भरी दृष्टि, अंतरी दृष्टि अपने आप के ऊपर डालना चाहता हूं माता। मैं जानता हूं पिताश्री के लिए ये संभव नहीं है माता, परंतु आप तो एक बार मुझे देख ही सकती माता। आपकी कृपा दृष्टि मेरे लिए आशीर्वाद होगी माता। बस एक बार। नहीं पुत्र, नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। परंतु ये माता वचन देती है कि जिस दिन तुम्हें मेरी दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन ये माता अपने पुत्र के लिए अपने पति को दी अपरण भी भूल जाएगी। जाओ पुत्र, जाओ जाओ, और एक दूसरे का रणभूमि में ध्यान रखना, क्योंकि वाह तुम सब ही एक दूसरे के माता, पिता, बंधु एवं सखा होगी। अब आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। कल्याणमस्तु पुत्र, तुम सभी का कल्याण। अपने विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया माता, करती हूं विकोदर। युद्ध समाप्त होने के पश्चात आपकी पत्नी पुनः अपने केश बांध सकेगी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं विकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के लहू से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।